अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदाना, ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। अब परीक्षा वरदान की होगी और दंड भी उसी को मिलेगा। या तो इस घर में केतकी रहेगी या मैं। केतकी, आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। बेटा, मां जा अपने अपने बेटे। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सड़क पर ऐसे नहीं खेलते। देखो कितनी गाड़ियां आ रही हैं इधर, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, कैसे रहते हम तुम्हारे बिना, किसके सहारे जिएंगे हम, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। चलो बाबा। अरे वो जो टूथब्रश लेना है ना, नहीं नहीं नहीं, सॉफ्ट वाले ब्रिसल वाला लेना, और टूथपेस्ट ले लेना, और बॉडी वॉश ले लेना, और हाँ अरोमा वाला लेना। हाँ बाबा, अरोमा, खुशबू, खुशबूदार वाला। बाबा पता है, अब ना इतनी इंग्लिश तो आपको सीख लेनी चाहिए। पता है ना आप किसके ससुर बनने वाले हो? वरदान तिवारी। अच्छा सुनो बाबा, अब बाकी चीजें मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और हाँ अभी मुझे भक्का में तो मैं रखू, बाय। मैं काम करती हूँ, आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, 2 मिनट रुकते फिर निकलते, ठीक है? मैंने घर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी नाराजगी है, 2 दिन बाद नाराजगी शांत हो जाएगी, फिर इस बारे में आराम से सोचते हैं। सोचने की बात ही नहीं है, ना मुझे वो घर चाहिए और ना ही वो म्यूजिक कंपनी। कंपनी? हाँ, वो सब चीजें, उन्हीं लोगों को मुबारक। मैंने फैसला किया है, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा। वो 100 करोड़ की कंपनी मैंने अकेले शुरू करी थी ना, दोबारा 100 रुपए से शुरू करूंगा
और 100 करोड़ की कंपनी अकेले खड़ा करूंगा। 100 रुपए से शुरुआत करने के लिए थोड़ी ना इतने पापड़ भी लेते मैंने। और कालिंदी, आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है, तो घूमना मेरे साथ। शोना, ये भी कोई बोलने वाली बात है? ये सब उस केतकी की वजह से हो रहा है। उसने मेरा सब छीन लिया। नहीं शोना, शोना, शोना। रिलैक्स। मेरा भी। लेकिन मुझे बर्बाद करने वाले को मैं खुश नहीं रहने दूंगा। केतकी को उसके किए की सजा मिलती रहेगी। आप माँ को हॉस्पिटल ना लेके जाती तो पता नहीं क्या होता। भैया हमें थैंक यू मत बोलिए। अगर अपनी माँ के कठिन समय में हमने उनका साथ नहीं दिया तो धिक्कार है हमारी ऐसी जिंदगी में। माँ, माँ, आप किसी भी बारे में कुछ मत सोचिए। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। ये सब राम जी की लीला है और उन्होंने हम सबके भाग्य में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। जो भी बिगड़ा है उसे वो ही बनाएंगे। ठीक तो है ना माँ? हम कल सारी रात आपकी चिंता में सो नहीं पाए। आप क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ अब ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में रहते हुए चिंता की कोई बात कैसे नहीं होगी केतकी? सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। सुषमा, माँ अम्मा कहाँ है? वो आराम कर रही है। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तुम्हारा संसार खुशियों से भरा रहे। और कल हम ही ने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन हम क्या करते? हमसे तुम्हारा अपमान और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, हमने कहा ना कि आप कुछ मत सोचिए। डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राम जी हमें इस परिस्थिति से जूझने के लिए कोई ना कोई सुझाव जरूर देंगे। मिठी, आओ बेटा। दादी से नाराज हो? अब बैठ बोलो। अपने पापा को मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। मीठी बेटा, ऐसा नहीं बोलते ना। जब बच्चे गलती करते हैं तो मम्मा उन्हें पनिशमेंट देती है ना। आपके पापा से भी गलती हो गई थी, इसीलिए दादी ने उन्हें पनिशमेंट दी। चलो आ जाओ, दादी के पास जाओ। आपने मुझसे झूठ बोला था। हमने आपसे क्या झूठ बोला था बेटा? आपने कहा था कि आप हमारी मम्मी पापा को कभी अलग नहीं होने देंगे, लेकिन आपने खुद अलग कर दिया। मेरे पापा को आपने
अनोखा बंधन, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।